Next thing which we are going to do is the choose function to choose a particular action cell based on an index value. So basically very easy and very basic function mostly used in financial modeling. And इसमें क्या लिखा है देखो, to choose a particular value or an action or in cell based on an index number. So index number एक input होगा हमारा, उसके basis पे आपको एक cell या फिर एक action perform करने, based on that index number can change. So I have this small data set with myself. मैंने यहाँ पे एक revenue का एक projection किया है, suppose financial year 16, 17, 18, 19 है हमारे पास. So we have three cases. We have the optimistic case, we have the base case, and we have the worst case. So these are the three scenarios which we have. And तीनों scenario के according, मैंने हर एक year का revenue का project किया है. And let's say suppose we are calculating these figures, we have calculated in rupees and lakhs. So this all table which I have with myself. अब सपोज मेरे पास इंडेक्स नंबर वन है, मुझे क्या करना है, मुझे रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करना है ऑप्टिमिस्टिक केस का फॉर ईच फिनेंशियल ईयर. तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली चूज फंक्शन यूज़ करेंगे. इंडेक्स नंबर हमारा ऑब्वियसली हो जाएगा ये. अब देखो वैल्यू वन, वैल्यू टू, वैल्यू थ्री क्या हो जाएगा. वैल्यू वन इज़ ऑब्वियसली दिस, वैल्यू टू इज बेस केस, एंड वैल्यू थ्री इज़ द वर्स्ट केस. सो दीज आर द थ्री वैल्यूज विच वी हैव. इसके बेसिस पे हमें फर्स्ट यानी कि ऑप्टिमिस्टिक केस हमें एक्सट्रैक्ट करना है. सो इसीलिए मैंने क्या मेंशन किया इधर वन, एंड मैंने क्या सेल चूज़ किया इधर वन वाला सेल इधर चूज़ किया है. इस सेल को हम लोग क्या कर देंगे, इस सेल को हम लोग एफ एन एफ फोर या फिर एफ फोर से हम इसको एब्सोल्यूट कर देंगे. सिंपली व्हेन आई क्लोज माय ब्रैकेट तो आंसर क्या आ रहा है, 124. इसको जब हम राइट ड्रैग करेंगे तो राइट हमने क्या किया, हमने इसको एब्सोल्यूट कर दिया. इंडेक्स नंबर शुड नॉट चेंज, दीज विल चेंज एज यू ड्रैग योर सेल टूवर्ड्स द राइट. ये आपका C98 से D98 हो जाएगा एंड सो ऑन. एंड देखो हर एक पर्टिकुलर सेल में सबसे फर्स्ट वाला जो हमारा नंबर है इन तीनों नंबर्स में वो सिलेक्ट हो गया. बेसिकली क्या हुआ, दीज आर द थ्री नंबर्स, इसमें से जो फर्स्ट नंबर है वो आउटपुट में आ जाएगा. इफ़ आई मैंशन, इफ आई राइट टू ओवर हियर, तो देखो सबका बेस केस आ गया, यानी कि टू सेकेंड इंडेक्स नंबर फ्रॉम दीज पर्टिकुलर नंबर वैल्यूज. तो यानी कि ये C99 वाला जो भी वैल्यू होगा वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा. सो दीज आर द थ्री वैल्यूज, इस थ्री वैल्यूज में से एक वैल्यू आपको एक्सट्रैक्ट करना है, वो वैल्यू आपका एक्सट्रैक्ट हो जाएगा. अब दिस इज वॉट यू आर एक्सट्रैक्टिंग और यू आर चूजिंग अ पर्टिकुलर सेल वैल्यू. यू कैन ऑल्सो परफॉर्म एन एक्शन बाय चूजिंग वॉट इंडेक्स नंबर. सपोज वन मोर एग्जाम्पल आई हैव रिटन ओवर हियर, चूज इंडेक्स नंबर में हम दे देते हैं वन, एंड दो हम एक्शंस परफॉर्म करेंगे. अगर वन है तो 8+9 होना चाहिए, अगर टू है तो लेट्स सपोज 5×2 होना चाहिए. देखो हुआ क्या, यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट, दो वैल्यू आर्ग्यूमेंट्स की जगह पे व्हाट आई हैव रिटन टू फंक्शंस और टू एक्शंस. एनी ऑफ द टू एक्शन, एनी ऑफ द टू फंक्शन विच यू कैन मेंशन, एनी इट कैन गो अप टू 255 वैल्यूज एंड एक्शंस. इसमें से मुझे कौन सा इंडेक्स नंबर निकालना है फर्स्ट, यानी कि इन सारे एक्शंस, दिस इज एक्शन वन, दिस इज एक्शन टू, सो ऑन. तो उसमें से मुझे एक्शन वन एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो उसका 8+9 आंसर क्या आ जाएगा, 17. इफ़ आई मेंशन टू ओवर हियर आंसर क्या आ जाएगा, 10. देख लो आंसर आ जाएगा 5×2, 10. सो दिस इज हाउ यू एक्सट्रैक्ट और चूज सेल वैल्यूज और परफॉर्म पर्टिकुलर एक्शंस. अगर इसके जगह पे कोई और एक्शन होता, लेट्स सपोज यहाँ पे कोई और एक्शन मैंने लिखा होता एंड यहाँ पे मैंने इंडेक्स नंबर में चूज में टू लिखा होता, तो वो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म हो जाता, वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म हो जाता. बेसिकली इट इज चूजिंग फ्रॉम वेरियस फंक्शंस एंड एक्शन विच पर्टिकुलर वैल्यू और एक्शन यू वॉन्ट टू चूज़.